भारत जी का तो आपको पता है कि वो इस इतनी शक्ति होगी कि मैं इतने बड़े कैलाश पर्वत को सम्मुख से उठा लूंगा। लेकिन नारद ने यहां ये बोला कि आपके अंदर में पूरी शक्ति है, आप ना हो आप एक बार जाओ। तो रावण शक्तिशाली था। उस वक्त कैलाश पर्वत को उठाते समय रावण का हाथ जब नीचे पर्वत के दब गया था, तो तब जो उनके पार्षद थे नंदी, तो नंदी ने रावण को कहा कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, एक स्तुति उनके ऐसी बोलो कि शिव प्रसन्न हो जाए। वो तो थोड़े समय प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने उस वक्त इस शिव सानु स्तोत्र की प्रस्तुति दी थी, लंका के पति राजा रावण। रावण कितना शक्तिशाली था, थोड़ा सा चार लाइन में मैं गुरु जी से मैं आज्ञा लेता हूँ, मैं एक रावण की एक झलक में उस वक्त की तो उसमें क्या शक्तियां थी। यह जिसको ज्ञान नहीं कि मैं काल जीत मत वाला हूँ, अरे जिससे काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विश्व वाला हूँ, मेरे लेकिन बड़ी भुजंग ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे पैरों से थर आया है, थर आया है। श्री सूर्यदेव, श्री सूर्यदेव मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम को जाता है, इच्छा से मेरी भी पवन से कर जाता है, कर जाता है। मुस्सा पंडित, मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, इस भवन में नहीं कोई दूजा है, अपने शंकर को मैंने पूजा है, शंकर को मैंने पूजा है। ये रावण की शक्ति थी, सूर्य चंद्र पवन इंद्र सब उसके पास में थे, नौ ग्रहों की शक्ति थी। भगवान प्रसन्न करने के लिए शिव सानंद को बोलो जय शंकर देखेंगे, महादेव का ध्यान रखेंगे और गुरु जी का ध्यान रखेंगे। जय सरस्वती मैया चला प्रवाह पावी चकार शिव शिव जटा जटा हसम विराजमान भगत भगत गज्जन लाट पट पावते शोर चक्र से हरे प्रतिपद क्षण बाबा धरा त्रेन्द्र नंदिनी विलास बंधु मंदुरा स्फुरत रंग संत दीप मोद मान मान से कृपा कटाक्ष छौर में निरंत दुख रापदी उचित जगम भरे मनोज मणिप्रभा कदम कौम कौम द्रव प्रणित दिग्वधू मुखे
दोनों हाथ खाली बजा दीजिए उसको।